हमारे जिले के मन टूट गया है वहां पर, कोई बात नहीं, वहां व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए सहयोग करें। सम्माननीय मंच मंच पर उपस्थित हमारे सभी, आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है भैया। यहाँ जरा व्यवस्था बनाए, उधर बहने बैठी है, कार्यकर्ता भी और पुलिस के लोग भी, व्यवस्था बनाए और इधर ज्यादा ज्यादा दबाव ना डालें। देखो अपना कार्यक्रम बिगड़ेगा, ज्यादा दबाव ना डालें, भीड़ बहुत है। और हरिशंकर जी आप अपना संक्षिप्त भाषण दें ताकि समय पर बात करके हम कार्यक्रम समाप्त कर सकें। इधर इधर दबाव मत बनाओ, इधर से भीड़ मत आओ, उधर का सबने स्वागत किया। स्वागत के बाद हम प्रदेश के जननायक और वास्तव में मध्यप्रदेश की आन बान और शान, उनका स्वागत इसलिए करते हैं कि उन्होंने प्रदेश के कोने कोने में विकास की गंगा बहाने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए 0% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा देने का काम हिंदुस्तान में किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इस बुंदेलखंड की धरती पर, टीकमगढ़ जिले की धरती पर किसानों के लिए बांध सुजारा बांध दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इसी जतारा की धरती पर चिलिंग प्लांट दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने टीकमगढ़ जिले की धरती पर हर पूरा सिंचाई परियोजना स्वीकृत कराने के लिए पूरा अपने आदेश जारी किए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, यहाँ पर कॉलेज दिया, लेधोरा की धरती पर तहसील दी, लेधोरा की धरती पर महाविद्यालय दिया, लेधोरा की धरती पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया और जतारा में बाईपास हमारे मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। मेरे प्यारे साथी भाइयों, टीकमगढ़ जिले के कोने कोने में विकास का काम अगर किसी ने किया, उन्होंने हमेशा टीकमगढ़ जिले की चिंता की, लगातार विकास के लिए पैसा दिया और आज जो भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जतारा से लिधोरा रानीगंज का रोड 42,59,00,000 की लागत का स्वीकृत हुआ है। ये 10 मीटर चौड़ा रोड बनेगा और यहाँ पर कोई आवागमन में असुविधा महसूस नहीं होगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने लाडली बहना को 1,000 रुपये यहाँ पर दिए हैं, लेकिन इससे भरी हम और क्या धन्यवाद दे सकते हैं, जिन्होंने बहनाओं का, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग की माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे प्यारे साथी भाइयों, टीकमगढ़ जिले की आवाज थी, टीकमगढ़ की जनभावनाएं थी, टीकमगढ़ जिले की जनप्रतिनिधियों की आवाज थी कि बुंदेलखंड की धरती पर टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बुंदेलखंड की धरती पर हमारे टीकमगढ़ जिले में हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेडिकल कॉलेज के आदेश जारी कर दिया। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा, ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। ये पूरे बुंदेलखंड की आवाज थी, टीकमगढ़ जिले की आवाज थी, उसके सिद्धांतिक स्वीकृति भी मेडिकल कॉलेज की हमारे यहाँ पर हो गई है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, लगातार विकास के आपने काम किए, जनभावनाओं के अनुरूप आपने योजनाएं बनाई, जिनका योजनाओं का लाभ हमारे टीकमगढ़ जिले की जनता को, जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिला है। हम माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि जतारा में आपने पॉलिटेक खोला था, जतारा में आपने पॉलिटेक खोला था, अब पॉलिटेक जतारा को इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्नयन करने का कष्ट करें, इंजीनियरिंग कॉलेज किया जाए, नौगांव में लिधोरा में आईटीआई कॉलेज खोला जाए, जो हमारी ग्राम बरारुआर है जहाँ पर एक है, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल बेरवार में किया जाए, महेवाचक 3 में और खजरी में हायर सेकेंडरी स्कूल किया जाए और बेरवार हाई स्कूल की बोंडीवाल के लिए राशि स्वीकृत किया जाए, ग्राम तानगा में और लाखरों में यहाँ पर हाई स्कूल खोला जाए, लार्क और कनुआ महेवाचक 3 में हाई स्कूल खोला जाए, हमारे ग्राम खरों और उपरारा में विद्युत स्टेशन स्वीकृत की जाए, दिगंबर जैन समाज की जो समिति है उसके लिए पांडुसला के लिए वो किया जाए, ग्राम पंचायत चंदेरा को नगर परिषद बनाया जाए, ये प्रार्थना हमारी है। और जतारा में मनन सागर जो तालाब है जो हमेशा सूखा रहता है, चंदेली तालाब है, तो हमारी प्रार्थना है कि इसमें बांध सुजारा बांध का पानी जतारा के तालाब में भेजने के आदेश जारी करने का कष्ट करें। हरपुरा सिंचाई परियोजना का SFC हो गई है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ अकेला आदेश रह गया है शेष
तो आदेश जारी कराकर टेंडर बुलाने के लिए। टीकमगढ़ जिले की हरपुरा बहुप्रतीक्षित योजना है, उसका जैसे आपने बांध सुजारा के लिए किया, ऐसे हरपुरा सिंचाई परियोजना के आदेश जारी करने का कष्ट करें। मांगे काफी है, ये महाराज 6 साल की भूमि है, इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि महाराज 6 साल की प्रतिमा लगाने का कष्ट करें जहाँ उनका मोर पहाड़िया में जन्म हुआ है। ये प्रार्थना है ग्राम छिपरी में रावतपुरा सरकार धाम यहाँ पे किया जाए। दूसरा मऊरानीपुर जतारा टीकमगढ़ सागर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, ये प्रार्थना हमारी है। बाकी मांगे काफी है, बस हम माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये मांग पत्र आपके सामने है, ये क्षेत्र की जनता आपकी है, जतारा विधानसभा क्षेत्र और टीकमगढ़ जिला पूरे के पूरे निवाड़ी जिला, हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी योजनाओं के आधार पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और जनता के आशीर्वाद से टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की फिर से भारतीय जनता पार्टी की धरती पर कमल खिलेगा 2023 में भी और 2024 में भी कमल खिलेगा। धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हरिशंकर कटिक जी। और अब निवेदन करना चाहेंगे हमारे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए, जिनके अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश का मूर्त रूप ले चुका है। जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें उनके स्नेह वचनों के लिए। बोलिए भारत माता की, राम रजा सरकार की, अचरू माता की, जतारा और टीकमगढ़ जिले की जनता की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, उनका भाषण होना था लेकिन मौसम और देर को देखते हुए उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं नहीं, आप ही सीधे बोले। ऐसे हमारे नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री हरिशंकर खटीक जी, टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी जी, खरगापुर के विधायक आदरणीय राहुल लोधी जी, पृथ्वीपुर के विधायक शिशुपाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष अमित नूना जी, श्रीमती उमता सिंह जी, मुकेश जी, बहन श्रीमती अनिता नायक जी, सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण, क्योंकि समय कम है मैं क्षमा चाहता हूं, और यहां उपस्थित जहां तक मेरी नजरें जा रही है आज जन समुद्र उमड़ा है जतारा की सड़कों पर। यहां पधारे मेरी बहनों, आपको दोनों सामने से हटो भाई, दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं मेरी बहनों को। मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, आपने आज जो आशीर्वाद, प्यार और विश्वास व्यक्त किया है, मैं माफी चाहता हूं आने में देर हो गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रास्ता, मौसम बहुत खराब था इसलिए मुझे रोड से आना पड़ा। लेकिन मेरा संकल्प था कि जतारा में बहन भाइयों का महाकुंभ है तो उनसे मिलने जाऊंगा जरूर, इसलिए आज आपके बीच आया हूं। और एक बात सुनो मेरी बहनों और भाइयों, आपने जो विश्वास अपने भाई पर व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। सावन का महीना है, राखी आने वाली है, और मेरी लाडली बहनों, ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने का मेरा अभियान है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी ये बहनें जो इस विश्वास के साथ आई है, सड़क पे खड़ी है, जहां नजर डालो बहनों का समुद्र दिखाई दे रहा है। सुनो मेरी बहनों,
ये 1000 रुपया केवल 1000 रुपया नहीं है, ये तुम्हारा मान मैंने बढ़ाया है, तुम्हारा सम्मान बढ़ाने का काम किया है, बहनों की इज्जत बढ़ाने का काम किया है। मेरी बहनों ने, बाद में सुनूंगा, मेरी बहनों ने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। मेरे भाइयों, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, भाई और बहन दोनों बराबर हैं। भगवान ने बेटा भी पैदा किया, भगवान ने बेटी भी पैदा की, लेकिन बेटे को ज्यादा लाल। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत।